और चलो सोफे में बिक गए। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? ना पूछ। क्या हुआ? आपने ये सोफे क्यों बेचे हैं? है ना, we have to go to Canada, we have to vacate the house. सोफे को रहने देते ना आप, सोफे क्या बेचने की जरूरत थी? तो फिर इस तरह तो कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। नहीं, इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई है सोफे के साथ, आपको जरूरत क्या थी सोफे बेचने की? We will make even sweeter memories there, inshallah. But still. Why don't you look at the brighter side of the picture? No, but still. Yeah. आपको ये सोफे नहीं बेचने चाहिए थे। हम कभी आएंगे भी तो पाकिस्तान, क्या हमने कभी पाकिस्तान नहीं आना? हमें जगह चाहिए रहने के लिए, हमने अपना थोड़ी सब कुछ सेल आउट कर रही है। देखो ये ना, इंसान को जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, we have to make choices. अच्छा, आपने अगर इनको बेच दिए तो फिर 6-7 महीने के हम जमीन पे बैठेंगे? मुझे तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके 6-7 महीने में गेस्ट आ सकते हैं। आपने जज्बातियों के सोफे तो बेच दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोई भी गेस्ट आ सकते हैं। गेस्ट किधर बिठाएंगे? कार्पेट्स पे नीचे? बिकॉज वी आर गोइंग टू कैनेडा। अभी तो कैनेडा जाने में कितना वक्त है इंशाल्लाह, तो तब तक हम क्या करेंगे? तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने पहले ही कार्पेट्स भी बेच दिए और सोफे भी बेच दिए। जी ऐसा करते हैं, मेरे पास एक प्लान है। बस हर चीज जज्बातियों के लिए बेचा जाते। अब ये कर सकते हैं हम कि आरजी तौर पे एक और सोफा ले लेते हैं, OLX से खरीद लेते हैं, मतलब खुद ही चीज बेच कर खुद हम OLX से खरीदे। बहुत कम लोग होते हैं जो के संभाल के चीज यूज करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो अब क्या किया जाए? मुझे तो ब्रांड न्यू चाहिए। ब्रांड न्यू? जी। तो फिर इनको बेचने का फायदा क्या हुआ? ये भी तो ब्रांड न्यू ही थे। अब हमें ऐसा चाहिए जो कि इतनी स्पेस ना घेरे, और मैं डिफरेंट स्टाइल ट्राई करना चाहती हूँ। डिफरेंट स्टाइल मतलब? डिफरेंट स्टाइल मतलब कि जैसे 7-सीटर था और सोफे प्रॉपर अलहदा रहता, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग यूज करें L-शेप। L-शेप लेना चाहती हूँ? हाँ, L-शेप चेस्टरफील्ड। ये तो वो भी चेस्टरफील्ड ही मुझे चाहिए। चेस्टरफील्ड जैसे मतलब ये है जी, इसी टाइप का, लेकिन L-शेप चाहिए। लेकिन हमें थीम भी देखनी होगी कि ड्राइंग रूम की हमारी थीम है ग्रेज एंड ब्लूज एंड व्हाइट्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर हम बीच में पीला सा सोफा रख दें या हम लाल, भी नहीं पसंद आया, तो कौन सा कलर लें? मेरे ख्याल में कि या तो मैं बॉटल ग्रीन लूं, या बॉटल ग्रीन विल नॉट गो विद दिस इंटीरियर। एक फॉर चेंज बॉटल ग्रीन, या फिर मुझे मेटालिक स्टील ग्रे। सोफा तो हम ले लेंगे, बिकॉज ठीक है मान लिया कि वो हमारी जरूरत है, आगे कनाडा जाने तक हमें चाहिए। फिर कनाडा जाते वक्त उसको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, वो फिर हम उस वक्त देखेंगे। Whether we want to leave that in the home या हम उसको बेच के, we'll decide that later. But अभी सोफों के अलावा, सोफे तो बिक गए, और क्या क्या बेचना है? मैं बताती हूँ अभी क्या क्या चीजें रहती है बेचने के लिए। देखो सोफा तो हमारी बुनियादी जरूरत है, तो हमें नया लेना ही होगा। तो बेचने के लिए क्या है? अब ड्राइंग रूम की चीजों में पहले हम बात करते हैं। पेलमेट। ये पेलमेट? जी, ये पेलमेट एंड कर्टन्स विद कर्टन। ये वेलवेट के कर्टन्स हैं, डबल शेडेड है ना, देख लो। आजकल आप मार्केट जाओ और आप पेलमेट्स, इनको कर्टन्स को हाथ लगाओ, बिल्कुल ऐसी पतली सी वेलवेट होती है, तो बड़ी भारी ग्राम्स वाली वेलवेट है, ऊपर से डबल शेड, कितना खूबसूरत जा रहा है इस पेलमेट के साथ। ये बेचते ठीक है, और क्या हो? पहले बेचना है ये ग्रेनाइट वाला साइड पे नीचे टेबल टॉप, और नीचे जो है इसके नीचे कार्ड हुआ है, वुडन कार्ड सेंटर टेबल है 2x2 का। ये जो पराना ग्रेनाइट हम लोगों ने लगवाया था, और आप इसके ऊपर नीचे का वुडवर्क भी चेक कर सकते हैं, सारा कार्ब्ड हुआ है। और नाजरीन, ये सेंटर टेबल जाता है साथ में इन कैंडल चेयर्स के, और
इस पूरे सेट की प्राइस है 30,000 रुपीज। ये हमारे सोफों के साथ का ही था, वही शेड था। ये मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूँ। कैंडल चेयर्स, ये टॉप से बॉटम तक कार्व्ड है और इसी के साथ का ये सेंटर टेबल है जिसमें एंटीक स्टाइल पॉलिश हुई हुई है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि उसी टाइप का कार्विंग है। और ये दूसरी कैंडल चेयर है। तो ये दोनों कैंडल चेयर्स विद दिस जुपाराना ग्रेनाइट टॉप सेंटर टेबल, पूरा सेट है 30,000 रुपीज का। ये ऑलमोस्ट 2 फुट बाय 2 फुट का है और इसके हमने स्पेशली राउंडेड करवाए थे एजेस ताकि किसी बच्चे को, किसी बड़े को चलते फिरते लगे ना। और ये बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क में है। मतलब मैं इस पूरे सेट की बात कर रहा हूँ, इस पूरे सेट की, ये 30,000 का है। नेक्स्ट फॉर सेल है ये 5 फुट बाय 8 फुट का कारपेट। ये टर्किश कारपेट है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हमने खुद भी इसको यूज नहीं किया बल्कि आज ही इसको हमने अनरोल किया है। ये आज इसका पहला दिन है और मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये देखिए, ये नेवी ब्लू बेस में है और बिल्कुल पर्शियन कारपेट्स का प्रिंट है इसके ऊपर और इसकी प्राइस है 18,000 रुपीज। उसके बाद ये शीशों का सेट है जिसमें से आप दो ये देख रहे हैं और एक ये घड़ी है इसके साथ। ये पूरा सेट है 4,000 रुपीज का। A few hours later. सोफे भी बिक गए, अब तो इसी पर बैठना है। इना कुशन देना। कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सोफे पहुंच गए, पसंद आए, बहुत शुक्रिया। कुशंस, कुशंस, वो ब्लू वाले जिनकी आपने वीडियो देखी है, वो जो ड्राइंग रूम मेकओवर में दिखाए थे। ये वर्साची वाले? ये वर्साची वाले कुशंस। यार ये तो मैंने अभी बनवाए थे। मैम वो कुशंस तो बिल्कुल न्यू है और हमें वैसे चाहिए भी। अच्छा चले ले ले, 6,000 के दूंगा। देखे मैंने 1,500 का एक बनवाया था और ये 6 कुशन्स हैं और ये बने थे हमारे 9,000 के। 9,000 के बने थे तो आप चले 6,000 के ले लें। अभी से मैं उठ गया हूँ कुशन के ऊपर से। अच्छा जी 6 कुशन्स हैं ये, तो ये भी हम आपको भिजवा रहे हैं, ठीक है। उफ, लो भाई कुशन्स भी बिक गए। मतलब कुछ सर के नीचे तकिया भी नहीं रहा। तकिया भी नहीं रहा। बिलाल मुझे अभी के अभी नया सोफा चाहिए, ब्रांड न्यू सोफा। चले चले गाड़ी में बैठे अभी। जी अभी। यार वैसे मेरी भी कमर अकड़ गई है कारपेट पे लेट लेट के। बस वो पहले से आप जो है ना कनाडा के यूज्ड टू हो रहे। चलो भाई चलो अभी चलो। चले कहाँ चले, कहाँ चले? होम फर्निशर्स। जी होम फर्निशर्स। यार वो तो बहुत जबरदस्त दुकान है, क्या आइडिया दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बिलाल ज़फर शो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं और हिना जा रहे हैं कनाडा, तो पिछले अपने चेस्टरफील्ड 7-सीटर सोफा तो मैंने बेच दिया। हालांकि अभी तक मैंने सोफा नहीं चढ़ाया था वीडियो पर, लेकिन इतने लोगों का रिस्पांस आया कि लोग व्हाट्सएप पर मुझसे पूछने लग पड़े, तो वहीं पर मेरे क्लाइंट से मुझसे खरीद लिया। अच्छा उन सोफों ने काफी जगह घेरी हुई थी तो वो तो इस वजह से निकाले क्योंकि ज्यादा सामान बिक जाए, लेकिन अब कनाडा जाने में कुछ महीने बाकी हैं तो फर्श पर तो हम लोग बैठ नहीं सकते। मतलब बैठ तो सकते हैं लेकिन थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है। तो वक्ती तौर पर मतलब कनाडा जाने तक के लिए मैं एक और सोफा लेने वाला हूँ जो पहले वाले से कम जगह घेरेगा लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सके। उसके लिए मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की वन ऑफ दी बेस्ट शॉप्स पर आया हूँ और आप देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न डिजाइन के चेस्टरफील्ड सोफा और दूसरे सोफा भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके सामने खरीदता हूँ बल्कि, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये रंग मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। एक तो सफेद रंग भी बहुत खूबसूरत होता है लेकिन हैविंग ट्राइड दैट वंस नाउ आई वुड वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, तो मुझे ये ग्रे वाला बहुत ही डिसेंट लग रहा है। अब इस सोफे की खास बात यह है कि एक तो ये स्पेस सेविंग है, सेकेंडली दिस ब्रिंग्स मी बैक द सेम मेमोरीज ऑफ माई वाइट चेस्टरफील्ड सोफा, तो वो वाली एक एलिगेंट यूनिक टच भी इसमें रहता है, लेकिन कलर मुझे डिफरेंट मिल रहा है, स्टाइल मुझे डिफरेंट मिल रहा है। ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कितने सीटर सोफा है ये? 7-सीटर है, इसके साथ एक पफी भी है। अच्छा सेपरेट। अच्छा और इसमें एक 4-स्टूल टेबल भी है। अच्छा अगर आप ये लेना चाहें तो ऑप्शनल है।
अच्छा अच्छा, तो ये आप इसके और इसके बगैर भी ले सकते हैं। आप मुझे इसकी प्राइस बता दें। ये आप अगर जो है ना कंप्लीट सेट लेते हैं तो ये 90,000 का। अच्छा, और अगर इसमें से आप टेबल को माइनस कर दें तो 65,000। अच्छा, टेबल माइनस करके 65,000 में मिलेगा। जी, मतलब कि दिस टेबल इज वर्थ 25,000 रुपीज विद फोर स्टूल्स, और ये 65,000 का खाली विद पफी। अच्छा जी, विद पफी भी है, पफी भी मिलेगी इसी 65 में। ये तो बड़ा रीजनेबल है। पफी दिखा सकते हैं जी, वो नीचे है। नीचे चले, वो भी आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए सारा टफ्टेड है, ये चेस्टरफील्ड है। और इसके अंदर फॉर्म कौन सा डला हुआ है? इसमें कैनन फॉर्म है, 15 इयर्स वाला। अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। मैं इसमें बैठ के देखता हूँ कि भला इसमें कितने बंदे आ सकते हैं। अच्छा, कहते हैं 7 सीटर, लेकिन कहते हैं कि बैठो तो एक्चुअली 7 नहीं होता। ये हो गया मैं एक, ये हो गया मैं दो, ये हो गया मैं तीन बंदे इधर आ जाएंगे। चले, और इतनी स्पेस रहेगी। अभी मैं पहले इधर बैठता हूँ, 4, ये हो गया मैं 5। सर ये तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी बैठ सकता है, 5, और इधर 6, और एक पफी भी, एक पफी भी है। हाँ, और एक बंदा इजीली इधर बैठ जाएगा। तो ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि विद पफी इट विल इजीली अकोमोडेट 8 अडल्ट्स। कहते हैं 7 सीटर, लेकिन 8 अडल्ट्स, और अगर बच्चे भी हैं तो 2 बच्चे और 7 अडल्ट्स आ सकते हैं। तो हिना को भी मैं अपने साथ लाया हूँ ताकि वो भी कलर सिलेक्शन और स्टाइल में मेरी हेल्प करें। हिना आप बताएं, आपको ये पसंद आ रहा है? मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेटालिक ग्रे। कुशन भी आपको करीब से दिखाता हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाला। वाओ सर, ये कुशन के साथ प्राइस आप बता रहे हैं? जो ना एक्स्ट्रा इस पे रखती है, कॉम्प्लीमेंट्री। हाउ मेनी कुशन्स आप दे रहे हैं साथ में? 6 कुशन्स के साथ मिल रहा है। दैट्स वेरी नाइस। मैं आपको व्यूअर्स ये साइड्स से भी दिखाता हूँ, और फ्रंट की बटनिंग भी दिखाता हूँ इसकी। पर इसके इस तरह सिल्वर बटन्स लगे हैं नीचे, उसी तरह जैसे हमारे पिछले सोफे के साथ में। ये देखें, ये देखें, साइड्स पर से भी बहुत प्यारा है। व्यूअर्स, ये है उसकी पफी। ये तो 2 बंदे इस पर बैठ जाएंगे। मतलब कि मैं जो 8 अडल्ट्स कह रहा था, एक्चुअली ये 65,000 का सोफा जो आपको कुशंस के साथ मिल रहा है, दिस विल अकोमोडेट 9 अडल्ट्स। मैंने आपको एक्चुअली बैठ कर दिखाया, और मैं कोई इतना पतला नहीं हूं, मुझे आप जानते ही हैं। या अगर आप 3-4 बच्चे और 7 अडल्ट्स बैठ सकते हैं इंक्लूडिंग दिस पफी। सो एक तो ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, रीजनेबल भी लग रहा है। अगर हम इस टाइप का लेना चाहें, ये भी मिल जाएगा, ये 5 सीटर रेडी। अच्छा, ये 3 ये है, एक ये और एक इस टाइप की ऊपर पड़ी हुई थी, तो ये 5 सीटर है। ये कितने में दे रहे हैं? ये अगर 5 सीटर आप लेते हैं 65। क्वालिटी तो ऑब्वियसली भी बेस्ट है, लेकिन मुझे पर्सनली चेस्टरफील्ड बहुत पसंद है। इसमें तो ये सिंपल आपको मिलेगा, अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। कुछ लोगों को चेस्टरफील्ड ना पसंद होके ये पसंद होगा ज्यादा, लेकिन फॉर मी इट्स चेस्टरफील्ड। तो ये हम आते हैं एक और तरह के सोफा की तरफ। ये सर कितने का है? ये सर आपको मिल जाएगा, ये एक जो ना स्पेशल डील है। हाँ, ये आपको मिल जाएगा 45 का। 45,000 में इसके साथ टेबल अटैच है। अच्छा, 45 का मिल जाएगा आपको। अच्छा, डील ये है कि इसमें टेबल भी है जी, और इसके दोनों तरफ जो है ना आर्म्स हैं, आर्म्स भी हैं। अच्छा, ये 45 का, तो क्या वजह है कि ये अच्छा, इसकी स्पेस कम है उस चेस्टरफील्ड वाले से? उससे जो है ना तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी एक सीट कम है, तो अगर इसमें एडिशनल वो दोनों तरफ बाजू हैं, तो फिर आप ये उससे इतना 20,000 के डिफरेंस से क्यों ये दे रहे हैं? ये असल में जो है ना, ये वाला जो मॉडल है ये थोड़ा सा जो है ना आउटडेटेड। अच्छा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये डिजाइन पसंद हो, तो उनके लिए, प्राइस के लिए मैं बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। अच्छा, और ये जो है, ये भी सेम वो जो आपने ऊपर देखा था वो है, मगर ये चेस्टरफील्ड नहीं है, ये प्लेन है। अच्छा, और ये आप देख लें, ये आपको पड़ेगा 55 का। ये 55 का, इसके साथ भी पफी लेंगे, इसके विद पफी 55,000 का मिलेगा। ये भी खूबसूरत है। तो व्यूअर्स, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप मुझे बताएं 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सा लूं? अच्छा, इसकी मुझे प्राइस बताएं। ये आपको पड़ेगा 85,000। 85,000 में 7 सीटर है ये। ये भी बहुत खूबसूरत है ना, क्या ख्याल है? 7 सीटर तो अभी हम बेच चुके हैं, तो फिर 7 सीटर लेने का मकसद नहीं बनता, सिंस वी वांट टू शेड ऑफ सम लोड। जो स्पेस कम ले और हमारा
रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर दे, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगा इसका कलर, बहुत प्यारा है, इसी कलर में चेस्टरफील्ड बनवा लें। लेकिन मेटालिक ग्रे तो इनके पास, सोफों के अलावा बेड्स की भी काफी वैरायटी है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनकी प्राइसेस कवर की थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो वीडियो आप जरूर एक्सप्लोर कर लें। ये यूनाइटेड सेंटर में दुकान है होम फर्निशर्स के नाम पर, इनका मैं आपको नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप आइए रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं से भी लेना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। नाज़रीन, सोफ़ों के साथ हम कुशंस पर कंट्रास्ट के लिए और ज़रा ब्राइटन अप करने के लिए ये वाला प्रिंट ले रहे हैं। बोलो बिलाल, मुझे अभी के अभी नया सोफा चाहिए। बिलाल मुझे मत बेचे।